हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोवा बायो। तो आज हम लोग बात करेंगे सैलरी निगोशिएशन के बारे में। ये वीडियो होगा सैलरी निगोशिएशन के रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तक के मैंने बहुत सारे वीडियोस में व्हाट काइंड ऑफ करियर ऑप्शंस यू हैव आफ्टर बीएससी बायोटेक, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू कुड हैव आफ्टर कंप्लीशन योर मास्टर्स, यहाँ तक सब चीज़ें मैंने बताई है मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में, अगर आप देखोगे वहाँ पे तो। और अब तक इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अभी बहुत टाइम नहीं गवाते और शुरू करते हैं। जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सैलरी निगोशिएशन कैसे किया जाता है और क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ये चीज़ कब काम में आएगी, जब आप फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई भी करते हो तभी भी, या फिर आप प्रमोशन पाना चाहते हो दोस्तों। तो ये दोनों तरफा है, मतलब जब आप फर्स्ट जॉब के लिए ट्राई करोगे तभी भी, और आप जब प्रमोशन पाना चाहते हो। तो चलिए सबसे पहले क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कौन सी पांच चीज़ें हैं, बहुत पांच इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सैलरी निगोशिएशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, अवॉइड एक्सेप्टिंग योर फर्स्ट ऑफर। जो भी ऑफर आपको पहले दिया जाता है वो अवॉइड कीजिए। मैं ऑब्वियसली जानता हूँ कि ये बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है जब आपको जॉब की ज़रूरत है और आपका फर्स्ट ही जॉब है, तो फटक से हाँ या ना बोलना। आपको हाँ या ना बोलना, ये इसके ऊपर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा अगर आप पूछोगे तो। जैसे कि आप बोल सकते हो कि मुझे 24 से 48 घंटे दीजिए, मैं इसके ऊपर सोच के आपको जवाब दूंगा। तो ये टाइम क्यों ज़रूरी है दोस्तों, इस टाइम में आप सोच सकते हो कि ये जॉब आपके लिए सही है, ये लोकेशन, ये पोजीशन, यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो, आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। इससे कई ज़्यादा सारी बातें होती है, जैसे कि इसके अलावा आपको अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता है क्या, ये सारी चीज़ें आप ठीक से सोच सकते हो। क्योंकि आप हड़बड़ी में हाँ बोल दोगे, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर आपको बाद में अच्छा जॉब ऑफर मिल सकता था और आपको वो ईमेल भी आ गया तो भी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया है, राइट। तो नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी नहीं, हम लोग डिस्कस नहीं करते। तो सबसे पहले आपको फटक से हाँ नहीं बोलना है दोस्तों, ओके। आपको उसके ऊपर सोच के आप एक 24 घंटा 48 घंटे की मोहलत टाइम लेके उसके बाद आप वो ऑफर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। ये था सबसे पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तो आपको जो सैलरी, दूसरी पॉइंट है, आपको जो सैलरी मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते हो, तो फर्स्ट डोंट पुट योर वैल्यू, ओके, लेट देम ऑफर यू समथिंग। तो आपकी जो कंपनी है, आप जहां पे अप्लाई कर रहे हो उनकी तरफ से कुछ वैल्यू आने दो सैलरी की, ये में मंथली हम लोग ऑफर करते हैं ये पोजीशन के लिए, या फिर ईयरली ये पोजीशन के लिए हम लोग ऑफर करते हैं, और उसके बाद आप उसमें काउंटर ऑफर, आपकी तरफ से जो ऑफर है उसके लिए आप ट्राई निगोशिएट कर सकते हो दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कौन से कंपनी में आपने अप्लाई किया, उसका लोकेशन क्या है, क्योंकि थ्रू आउट द इंडिया लोकेशन जैसे चेंज होता है सैलरी विल चेंज ऑब्वियसली, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ओके। तो जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना है आपको, क्योंकि बहुत बार ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है आपको सोचने के लिए कि अरे ये अगर मैं सैलरी इंक्रीमेंट पूछूंगा या फिर ये जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे अगर इतना ही पे ग्रेड ऑफर किया गया जो मेरे एक्सपेक्टेशन से शायद कम हो तो मैं हाँ बोलूँ या न बोलूँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और फोकस रहिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और उसके बाद ही इंटरव्यू को जाइए दोस्तों। ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई दोस्तों। अभी चौथी ऑफर क्या है, चौथा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कि कई बार ऐसे हो जाता है कि जिस लोकेशन पे आप जाते हो या फिर जिस कंपनी में आप अप्लाई करते हो वो स्टार्टअप है या फिर वो अभी अभी शुरू हुई है 5-6 साल पहले या 2-3 साल पहले, तो वो कंपनी आपको एकदम अच्छा ऑफर नहीं दे सकती, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफर मार्केट में चल रहा है वो आपको शायद नहीं दे सकती, लेकिन उसके अलावा आपको काफ़ी पर्क्स दे सकती है वो शायद। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। चलो सैलरी निगोशिएशन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे उतना अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा है, उसके अलावा वेदर इट इज़ प्रोवाइडिंग यू वर्क फ्रॉम होम,
जिम का मेंबरशिप है क्या, या फिर वेकेशन है क्या, पेड वेकेशन की तरह ऐसे कोई पर्क्स है क्या, इसके अलावा और कोई हेल्थ इंश्योरेंस है क्या जो कंपनी आपको एडिशनल, जो आपको सैलरी के जगह पे ये एडिशनल पर्क्स देती है, वेदर यू कैन ट्रैवल फ्रॉम कंपनी बस और नॉट। तो ऐसी कई सारी पर्क्स होती है दोस्तों जिनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, स्ट्रेस कर सकते हो, और जिससे आपको अगर बहुत अच्छी सैलरी नहीं, कंफर्टेबल सैलरी अलॉन्ग विद दिस पर्क्स, इट्स अ गुड ऑप्शन आई फील, राइट। तो ये एक चीज़ है। और लास्ट सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मतलब ये पॉइंट के ऊपर आपको स्ट्रेस करना है, जो फिफ्थ पॉइंट है और लास्ट का पॉइंट है सैलरी निगोशिएशन के बारे में, यू हैव टू बैलेंस, मतलब आप कंपनी के लिए कितने अच्छे और कंपनी आपके लिए कितनी अच्छी है, इसके ऊपर आपको बैलेंस लाना है। और आप जब भी सैलरी निगोशिएशन के बारे में सोचोगे दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको एक बैकग्राउंड जान लेना है वो कंपनी का, वो पोजीशन का, वो पोजीशन के अलावा वो पोजीशन को ये लोकेशन पे कितना सैलरी मिल रहा है, ओके। और उसके ऊपर आपको सोच विचार करके फिर काउंटर ऑफर करना है दोस्तों आपकी सैलरी के लिए, ओके। और वर्क मतलब वर्क आवर्स कितना है कंपनी का, आप वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस कर पाते हो नहीं, ये चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार कैसे हो जाता है कि हमको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है दोस्तों, लेकिन फिर वो सैलरी के लिए, वो उतना सैलरी के लिए आपको फिर फैमिली को टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, और फिर बहुत लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है, आप टेंशन में आते हो, आपके घर वाले स्ट्रेस में आ जाते हैं, और फिर वो वर्क और लाइफ का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है दोस्तों। इतना भी पैसा कमा कर क्या करेंगे अगर हम लोग वो खर्च ही ना कर पाए, उसमें हम लोग खुश ना रहे, राइट। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियोज एंड दिस वेयर द 5 पॉइंट्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। और अगर अब तक आपने ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।